ओम शांति। आज 30 अगस्त 2021 और आज जन्माष्टमी है। सभी भाई बहनों को बहुत बहुत मधुबन के इस पावन धरनी से हमारे दादी जी एवं सभी वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से जन्माष्टमी की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। जन्माष्टमी आते ही हमें अपनी नई दुनिया की स्मृति आ जाती है और यही महसूस होता है कि बस अब नई दुनिया आई की आई और हम उस नई दुनिया में गए की गए, जहाँ साक्षात सबसे प्यारा श्री कृष्ण का जन्म होगा और हम सभी भी किसी न किसी रूप में, चाहे गोप गोपियों के रूप में, उसके साथी के रूप में, सखा के रूप में अवश्य होंगे और सभी श्री कृष्ण के साथ मौज आनंद मनाते जाएंगे। तो आज बाबा के मधुर महावाक्य है जिसमें बाबा हम बच्चों को रूहानी कारोबार सिखाते हैं। और रूहानी कारोबार कैसे करनी है तो बाबा कहे तुम बच्चों को हर समय ये स्मृति रहे कि मैं रूह इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ। और तब बाबा कहे सहज ही निर्विकारी बनते जाएंगे। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी रूहानी कारोबार करनी है। रूह समझकर हर कर्म करने से आत्मा निर्विकारी बनती जाती है। आज की मुरली से प्रश्न है, स्वर्ग का वर्षा लेने अथवा स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? स्वर्ग का वर्षा लेने और स्वर्ग में ऊंच पद पाने का आधार क्या है? उत्तर है, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। कितना सहज है स्वर्ग का वर्षा प्राप्त करना। जैसे ही ब्रह्मा कुमार कुमारी बने माना स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा, परंतु ऊंच पद पाने का आधार है पढ़ाई। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। सुना, उच्च पद का आधार अगर अच्छी रीति बाप का बन करके पढ़ाई पढ़ते रहे, पूरा पवित्र बने तो राजाई पद मिलता है। कोई पूरा पढ़ते नहीं, कर्म बंधन है, पूरा पवित्र नहीं बने और शरीर छूट गया तो प्रजा में भी साधारण पद पा लेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ रूहानी कारोबार है। बाकी सारी दुनिया में जिस्मानी कारोबार है, वास्तव में कारोबार चलती है रूहों की, कारोबार चलती है रूहों की। आत्मा ही इस शरीर द्वारा पड़ती है, चलती है, विकर्म करती है, इसलिए पतित आत्मा पाप आत्मा कहा जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। इस समय सब मनुष्य देह अभिमानी है। मैं आत्मा हूं समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं। मैं आत्मा हूं यह समझने बदले समझते हैं मैं फलाना हूं। यह व्यापार करता हूं, यह फलाने कामी क्रोधी है, शरीर का ही नाम लेते हैं। इसको कहा जाता है देह अभिमानी दुनिया। ये है देह अभिमानी दुनिया, जहाँ सारा समय देह और देह की बातें ही चलती है। तो बाबा कहे ये है देह अभिमानी दुनिया, उतरती कला की दुनिया। सत्युग में ऐसे नहीं होता, वहाँ देही अभिमानी होते हैं। तुमको देही अभिमानी बनाया जाता है। अपने को आत्मनिश्चय करो, मैं आत्मा यह शरीर रूपी चोला धारण कर पाठ बजाती हूँ।
वह एक्टर्स भी भिन्न भिन्न कपड़ा बदली कर पार्ट बजाते हैं। बाप कहते हैं, तुम आत्माएं पहले शांति धाम में थी, तुम्हारा घर है शांति धाम। जैसे वह हद का नाटक होता है, यह फिर है बेहद का नाटक। सभी आत्माएं परम धाम से आकर शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। आत्माओं का असल घर है परम धाम। उन एक्टर्स का तो घर यहां ही होता है, सिर्फ ड्रेस बदली कर आकर पाठ बजाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, क्या समझाते हैं, तुम आत्माएं हो। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे, सन्यासी बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। ये अधिकार बाबा के पास ही है जो हम बच्चों को बच्चे बच्चे कहेंगे। सन्यासी कभी किसी व्यक्ति को बच्चे बच्चे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं पतित पावन तुम सभी आत्माओं का बाप हूँ, जिसको तुम गॉड फादर कहते हो। गॉड फादर तो निराकार है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गॉड फादर नहीं कहेंगे। उनमें भी आत्मा है, परंतु उनको कहते हैं ब्रह्मा देवताएं नमः, विष्णु देवताएं नमः। देवताएं क्या करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाबा कहे, देवताएं क्या करते हैं ये किसको पता नहीं है। बाप ही आकर समझाते हैं, तुम कैसे ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट बजाते हो। दुनिया एक ही है, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल में। बाबा कहे, ऐसे नहीं कोई नीचे पाताल व ऊपर में दुनिया है। दुनिया एक ही है, न पाताल में है न ऊपर है, जिसका चक्र फिरता रहता है। दुनिया सिर्फ यहाँ एक ही है, जिसके ऊपर ये चक्र फिरता रहता है। लोग तो कह देते हैं मून में प्लॉट लेंगे। बाप समझाते हैं, बच्चे कितने इंसॉल्वेंट बन पड़े हैं, भारतवासियों के लिए ही कहते हैं, तुम कितने शाहूकार समझदार थे। इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था, जिसको कोई लूट न सके। वहां कोई पार्टीशन आदि नहीं होती है, यहां तो कितनी पार्टीशन है, आपस में टुकड़े टुकड़े पर लड़ते रहते हैं। तुम सारे विश्व के मालिक थे, सारा आकाश पृथ्वी समुद्र सब तुम्हारा था, तुम उनके मालिक थे। अब तो टुकड़े हो गए हैं, ये किसको पता नहीं है। भारत ही विश्व का मालिक था। बाप समझाते हैं, आत्मा को जो पार्ट मिला हुआ है वह कभी घिसता नहीं, चलता ही रहता है। अभी तुम फिर से मनुष्य से देवता बन रहे हो, फिर 84 जन्म लेंगे, तुम्हारा पाठ चलता ही रहता है, कभी बंद नहीं होता है, कोई मोक्ष आदि पाते नहीं। बाबा कहे, दुनिया में कोई भी मोक्ष आदि को नहीं पाते। जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मते होती है। दुनिया में इतनी मत मतांतर है, क्यों? तो बाबा कहे, जितने अनेक गुरु अनेक शास्त्र उतनी अनेक मते। मनुष्य में कितनी अशांति है, जहां भी जाओ कहेंगे मन को शांति कैसे मिले। यह देह अभिमान में आकर कहते हैं। बाप समझाते हैं, मन और बुद्धि यह है आत्मा के ऑर्गन्स, बाकी यह सब शरीर की इंद्रियां हैं। आत्मा कहती है, मेरे मन को शांति कैसे मिले। वास्तव में यह कहना गलत है, तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी, ये राइट है। बाकी मन को कैसे शांति मिले, तो बाबा कहे, आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है। तुम ऐसे कहो, मुझ आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। इसमें कर्म तो करना ही है,
यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। दुनिया में यह ज्ञान किसको नहीं है, वहाँ है भक्ति मार्ग, उनको ज्ञान का पता नहीं। ज्ञान तो एक बाप ही देते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ, कलयुग के अंत में सभी पतित हैं। यह है रावण राज्य, रावण को जलाते भी भारतवासी ही है। बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, बाप पतित पावन का जन्म भी यहाँ है, तो रावण का जन्म भी यहाँ है। रावण जो सबको पतित बनाते हैं, इसलिए उनको जलाते हैं। यह बातें किसकी बुद्धि में नहीं है। अब भारत में कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण की लीला भजन आदि करते हैं। अब बाप कहते हैं, वास्तव में कृष्ण लीला कुछ है ही नहीं। कृष्ण ने क्या किया? कहते हैं, कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंस तो डेविल को कहा जाता है, सतयुग में डेविल कहाँ से आए? तुम जानते हो, कृष्ण की आत्मा जो सतयुग में थी, वह अपने 84 जन्म भोग इस समय पतित से पावन बन रही है, अपना पद फिर से ले रही है। वैसे ही तुम कृष्णपुरी में रहने वाले थे, 84 जन्म ले अब फिर अपना पद ले रहे हो। जयंती मनानी है वास्तव में शिव बाबा की, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं। उनकी कोई लीला है नहीं। बाबा कहे, जो शिव बाबा सबको हेल से हेवन में ले जाते हैं, उनकी कोई लीला है नहीं। कहते हैं कि हे पतित पावन बाबा, आओ आकर हमको हेल से हेवन में ले जाओ। आप हमारे बाप हो तो हम स्वर्ग में होने चाहिए। हम विशेष दुनिया में क्यों है? इसलिए बुलाते हैं, हे गॉड फादर, हमको इस दुख की दुनिया से लिबरेट करो। यह भी ड्रामा में नोंद है। बाप कहते हैं, इस ड्रामा को कोई जानते नहीं। शास्त्रों में ड्रामा की आयु लंबी लिख दी है। नई दुनिया को पुरानी बनना ही है। ये तो बाबा कहे नियम है कि नई दुनिया को धीरे धीरे पुरानी बनना ही है। सतो रजो तमो में आना ही है। यह है बेहद की बात। अभी तुम फिर से विश्व के मालिक बन रहे हो। भारतवासी जो नई दुनिया में थे, वही 84 जन्म का पाठ बजाएंगे। अभी तुम पवित्र बनते हो। बाकी सब मनुष्य पतित है, तब तो पावन के आगे जाकर नमन करते हैं। पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सोचने की बात है, पावन को पावन नमन क्यों करेंगे? सन्यासी पावन है तब तो पतित मनुष्य उनके आगे माथा झुकाते हैं। कन्या पवित्र है तो सब उनके आगे सिर झुकाते हैं। वही कन्या शादी कर ससुर घर जाएंगी तो माथा टेकना पड़ता है। अभी बेहद का बाप आए हैं सबको पावन बनाने। वह सब है कलयुग में, तुम हो अभी संगम पर। अब तुमको पतित दुनिया में नहीं जाना है। बाब कहे, अब तुम्हें पतित दुनिया में नहीं जाना है। यह है ही कल्याणकारी युग। बाप आकर सबका कल्याण करते हैं। तुम अभी कृष्ण जयंती मनाएंगे, नहीं तो लोग समझेंगे यह तो नास्तिक है। नास्तिक वास्तव में उनको कहा जाता है जो अपने बाप को रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं, उसको नास्तिक कहेंगे। इस समय सब निधन के ऑर्फन बन पड़े हैं, घर घर में झगड़ा है, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको नास्तिकों की दुनिया कहा जाता है। बाप को न जानने वाले नास्तिकों की दुनिया, क्योंकि बाप को न जानने वाले तुम हो जानने वाले। अभी तुम समझते हो
क्या समझते हैं कि हम पत्थर बुद्धि थे, बाप हमको पारस बुद्धि बना रहे हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं है। बाप सिर्फ कहते हैं, क्या कहते हैं, एक घंटा पढ़ो। बाबा सिर्फ कहते हैं एक घंटा पढ़ो, अपने को आत्म समझ, मुझ बाप को याद करो। शरीर को याद करेंगे तो लौकिक संबंधों की याद आएगी, देही अभिमानी रहेंगे तो मुझ बाप की याद रहेगी। यह तो है ही विशस दुनिया, विषय सागर में गोते खाते रहते हैं, विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं, कहते हैं वहां घी की नदियां बहती हैं, यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता। बाबा के यहां तो घासलेट भी नहीं मिलता, वहां तो घी दूध की नदियां बहेगी एकदम स्वच्छ। फर्क है ना, तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप ही खेवैया है ना, गाते भी है नैया मेरी पार लगाओ। ये सब नैयाएं हैं, एक एक व्यक्ति की नैया है। खेवैया एक बाप ही है, ये शरीर यहाँ ही छोड़ देंगे, बाकी आत्माओं को पार ले जाएंगे कहाँ, शांति धाम। वहां से फिर भेज देंगे सुखधाम। परमपिता परमात्मा को ही खेवैया कहा जाता है, बाप की ही महिमा गाते हैं अनेक प्रकार से। अभी तुम पवित्र बन, पवित्र दुनिया के मालिक बनते हो। श्री श्री शिव बाबा आए हैं श्रेष्ठ बनाने। खुद भगवान कहते हैं ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। अभी तुम परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठाचारी बनते हो। कितनी ये गुप्त रमणीक बातें हैं जो तुम बच्चों को ही समझ में आती है, औरों को समझ में आएगी नहीं। तुम जानते हो कि अभी देवी देवता धर्म का कलम लग रहा है। जो भी देवी देवता धर्म वाले और धर्म में चले गए हैं, वही आकर फिर ब्राह्मण बनेंगे। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने बिगर बाप से स्वर्ग का वर्षा ले नहीं सकते। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे कराएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सब तो इतना नहीं कर सकते, पूरा नहीं पढ़ेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। अगर शरीर छूट जाए तो स्वर्ग में जाएंगे, परंतु प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। किसको, जो पढ़ेंगे नहीं, पूरा पवित्र नहीं बनेंगे, और बीच में ही अगर शरीर छूट गया तो बाबा कहे प्रजा में बिल्कुल ही साधारण। अगर बाप का बनकर अच्छी रीति पढ़े तो राजाई पद पा सकते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो समझेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। जो नहीं पढ़ते तो यही समझा जाता है उनकी तकदीर में नहीं है। पवित्र रहेंगे पढ़ेंगे तो उच्च पद पाएंगे। अपवित्र होने से बाप को याद नहीं कर सकेंगे। ऐसे भी बहुत है, कर्म बंधन का हिसाब जब छूटे, गाड़ी के दोनों पहिए पवित्र होंगे तो ठीक चलेगी। दोनों पवित्र रहेंगे तो ज्ञान चिता पर बैठ जाएंगे, नहीं तो खिटपिट होती है। कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। तो बच्चे बाबा को कहते हैं, हम तो जानते हैं श्री कृष्ण सतयुग का पहला प्रिंस है, तो क्यों नहीं कुछ मनाए। अच्छा, हम कृष्ण की आत्मा को बुला भी सकते हैं, आखिर खेल पाल करेगी। शुरू में ये पार्ट बहुत चला, जो श्री कृष्ण के संस्कार को बाबा इमर्ज कर देते थे किसी न किसी संदेशी के अंदर, और अनेक प्रकार के खेल पाल करते थे, रास करेंगे और क्या करेंगे।
गोप गोपियां तो यहाँ ही होते हैं, वहां तो प्रिंस प्रिंसेस आपस में मिलते हैं तो रास करते हैं, सोने की मुरली बजाते हैं, काठ की मुरली नहीं होती है, सोने की मुरली होती है तो वो बजाते हैं, ये सब खेल पाल तुम पिछाड़ी में देखेंगे, ये सब पाठ चलेंगे, शुरू में दिखाया गया है फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए। शुरू शुरू में बाबा ने ऐसे कई खेल पाल दिखाए, फिर बाबा ने सबको पुरुषार्थ में लगा दिया, फिर तुम पुरुषार्थ में लग गए हो, अब फिर पिछाड़ी में साक्षात्कार होना शुरू हो गया। कौन कौन किस पद को पाएंगे यह तुम जानते हो, बाप बैठ ये सब राज समझाते हैं, तुमसे पूछते हैं वेदों शास्त्रों को मानते हो, बोलो हाँ, हम क्यों नहीं मानते हैं, यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनमें कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान देने वाला तो एक है, ज्ञान मिलता है तो भक्ति आपे ही छूट जाती है, तुम मंदिर में भी जाएंगे तो बुद्धि में रहेगा कि ये लक्ष्मी नारायण फिर अब नई दुनिया में राज्य करेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाबा कहे बाप बच्चों को समझाते हैं, दोनों तरफ तोड़ निभाना है, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, श्रीमत कहती है पूरे पवित्र बनो, पूरा वैष्णव बनो और विष्णुपुरी का राज्य लो। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतु कर पावन बनना है, योग द्वारा कर्म बंधन का हिसाब किताब चुकतु कर पावन बनना है, ज्ञान चिता पर बैठना है, पूरा पूरा वैष्णव अर्थात पवित्र बनना है। दूसरी पॉइंट, अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है, सबको शांति धाम की याद दिलानी है, कभी भी अशांत नहीं होना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, नॉलेज द्वारा रावण के बहु रूपों को जानकर उसकी अट्रैक्शन से, उसकी आकर्षण से मुक्त रहने वाले हिम्मतवान भव। जो बच्चे नॉलेज द्वारा अर्थात ज्ञान द्वारा समझ द्वारा रावण के बहु रूपों को अच्छी तरह से जान गए हैं, उनके आगे वह नजदीक भी नहीं आ सकता, रावण नजदीक भी नहीं आ सकता, क्योंकि पहचान गए उसको। चाहे सोने का चाहे हीरे का रूप धारण करे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन में नहीं आएंगे, अर्थात उसके आकर्षण में नहीं आएंगे। ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। मूल आधार क्या कि जिससे रावण हमारे समीप भी नहीं आएगा, उसकी कोई आकर्षण हमें फंसा नहीं सकती। बाबा कहे ऐसी सच्ची सीताएं बन, लकीर के अंदर रहने का लक्ष्य रख, हिम्मतवान बनो। फिर यह रावण की बहु सेना वार करने के बजाय आपकी सहयोगी बन जाएगी। प्रकृति के पांच तत्व और पांच विकार ट्रांसफर होकर आपकी सेवा के लिए आएंगे। आज का बाबा का स्लोगन है, सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो।
सेवाओं में सफलता प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त की विशेषता को धारण करो। अच्छा, ओम शांति।